तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे स्मार्टफोन की जो कि एक ही ब्रांड के हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ब्रांड आसूस के हैं गाइज। आसूस का लेटेस्ट फ़ोन जो है रोग फोन 7 और जो उससे पहले जो फ़ोन आया था आसूस का रोग फोन 6, ये दोनों आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों, और इसके कंपेयर करके देखेंगे कि ये दोनों में कौन हाई है कौन लो है। बाकी दोनों फ़ोन तो क्वालिटी मतलब बहुत ही अच्छी है, जिसमें गेमिंग फ़ोन भी हम लोग बोलते हैं, तो दोनों का दोनों ही अच्छा है, लेकिन ये दोनों में कंपेयर करें और इसकी क्या प्राइस है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आसूस का रोग फोन 6 के बारे में गाइज। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गाइज, इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.78 इंचेज की OLED डिस्प्ले आ रहे गाइज, फुल HD प्लस, जिसकी रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज के आ रहे हैं गाइज। तो गेमिंग फोन है तो इतना तो आना ही होगा, तभी इसमें कुछ ना कुछ कम प्रेशर पड़ेगा। तो गाइज ये रहा डिस्प्ले। और गाइज अगर इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसकी प्रोसेसर क्वालकम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन्यून 1 चिपसेट प्रोसेसर आ रहे हैं गाइज। जहाँ पे अगर इसकी कैमरा की बात करें तो इसमें रियर कैमरा, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप गाइज आ रहे हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको बता दें कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आ रहा है, वहीं पर 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का वर्ल्ड वाइड सेंसर लगा हुआ है गाइज। और इसकी फ्रंट कैमरा जो वो 12 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा है। और गाइज सबसे, और इसकी जो बैटरी है सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि इसकी बैटरी 6000 mAh की मिल रही गाइज, जिसमें 65 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड कर रही गाइज। तो ये रहा आसूस का रोग फोन 6 का ये स्पेसिफिकेशन रहा। इसके गाइज प्राइस जो है वो लास्ट में कंपेयर करेंगे कौन प्राइस क्या है। और गाइज अब बात करते हैं आसूस रोग फोन 7 की, जो कि लेटेस्ट मॉडल है और हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो गाइज अगर इसकी डिस्प्ले को देखा जाए तो इसकी डिस्प्ले भी सेम टू सेम रोग 6 की तरह आ रहे हैं गाइज, 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज सपोर्ट कर रही है गाइज। वहीं पे अगर इसकी प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर भी इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 8 जेन्यून 2 चिपसेट गाइज आ रही है इसकी प्रोसेसर। और अगर इसकी कैमरा की भी बात करें, कैमरा भी गाइज इसकी 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा एंड 13 मेगापिक्सल की वाइड सेंसर कैमरा और 5 मेगापिक्सल की सेंसर कैमरा गाइज आ रही है। इसमें भी ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है। और अगर इसकी फ्रंट कैमरा जो है वो गाइज 32 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसकी सेल्फी भी बहुत अच्छी खींचती है गाइज। और अगर इसकी बैटरी की भी बात करें तो बैटरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइज, 6000 mAh की बैटरी है, जिसमें 65 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रही है गाइज, जो कि बहुत ही अच्छी है क्वालिटी की। और गाइज अब अगर ये दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं गाइज, आसूस रोग फोन 7 और इस साइड है रोग फोन 6 गाइज, ये दोनों में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि प्रोसेसर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग है। अगर 7 की बात करें तो 7 में क्वालकम स्नैपड्रैगन 8 जेन्यून 2 दिया गया गाइज, वहीं पर अगर 6 की बात करें तो 6 में क्वालकम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन्यून 1 की प्रोसेसर दिया गया। और गाइज इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, एक डिफरेंट आपको फ्रंट कैमरा की मिल रही गाइज। अगर 6 में फ्रंट कैमरा जो वो 12 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा है, जहां 7 में आपको 32 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा मिल रही गाइज। वहीं पे अगर बात कर रहे हैं इसकी बैटरी, तो बैटरी भी सेम है। तो गाइज इस तरह से कंपेयर में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हाई लग रहा है 7। और गाइज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं इसकी प्राइस भी मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, जो 7 जो है ये काफ़ी हाई गाइज, 6 से ज़्यादा महंगा भी 7 आ रहा, तो आप लोग प्राइस भी देख रहे का है। ये दोनों का दोनों फ़ोन बेहतरीन है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो गाइज इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।